हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी ए मैम। और स्टूडेंट्स, आज हम 17 जुलाई 2020 को हुआ जो नीट का पेपर है उसके कोड T2 के वीडियो सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। पहले हम बॉटनी सेक्शन देखेंगे, फिर जूलॉजी सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 101 स्टूडेंट, ये बोनस क्वेश्चन होने वाला है जितना मुझे आइडिया लगता है, क्योंकि इसमें ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें ऑल आर एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट्स, कुछ भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर टेक्निकली ए बी सी डी ई होना चाहिए। तो यहाँ पूरी पूरी उम्मीद है आपको बोनस मिलने की। तो शुरुआत ही क्या धमाकेदार हुई है। नाउ पेपर का एनालिसिस अलग से आपके पास आएगा, अभी मैं सिर्फ वीडियो सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, बोगनविली और सिट्रस में थॉर्न्स तो बनते हैं पर वो लीफलेट्स नहीं होती है, वो एक्सिलरी बड होती है, यानी ये फॉल्स हो गया। और अगर ए फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आंसर्स तो नहीं हो सकते हैं। बी और सी देखने की जरूरत नहीं है, खाली डी चेक कर लीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम डी देख लेते हैं। राइजोफोरा में वर्टिकली अपवर्ड्स ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। और अगर 4D सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लीजिए, एक्सिलरी बर्ड अगर स्पाइरली कॉइल्ड है तो टेंड्रिल बनाती है, गार्ड फैमिली में, जिसमें कुकुरबिता और पम्पकिन आएगा, कुकुम्बर भी आएगा। स्टेम फ्लैट होके फ्लैशी होके ओपेंशिया में फोटोसिंथेसिस करती है, जैसे कि लीव्स का फंक्शन है। और सब एरियली घास में रनर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। सो यहाँ पर बी सी डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, ओनली ए इज फॉल्स, आंसर इज 2। नाउ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। जहां भी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है बस वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होती है, सो इट इज द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नाउ 104 यहाँ पे हमें करेक्ट देखना है। आइए पहले हम ए चेक करते हैं, यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, बिल्कुल करेक्ट है और हमें करेक्ट ही देखना है, तो ये वाले आंसर्स तो नहीं हो सकते हैं। सी मत चेक करिए, दोनों में है, सिर्फ डी चेक करिए। हिस्टोन्स में आर्जिनिन लाइसिन बिल्कुल रिच होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। अब चेक करते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है ना कि एक्टिव, और ऑक्टमर पॉजिटिव, हिस्टोन ऑक्टमर जिसमें बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के अराउंड भी कॉइल होके न्यूक्लियोसोम बनाता है। पर ये गलत है स्टूडेंट्स, 200 होते हैं ना कि 400 बेस पेयर। सो ए सी डी करेक्ट है एंड बी और ई फॉल्स है, आंसर 1 हो गया। नाउ 105 प्राइमरी CO2, देखो C4 प्लांट्स में पेप के साथ जुड़ता है CO2, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इससे फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, और ये मेसोफिल सेल्स में मिलता है, बंडल शीट सेल में रुबिस्को मिलता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। मेसोफिल सेल में पेपकेज होता है और बंडल शीट में रुबिस्को होता है, सो दे लैक रुबिस्को, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट दे लैक रुबिस्को। सो यहां बोथ आर करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नाउ 106 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है स्टूडेंट्स। यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है कि विंड इज मोर कॉमन देन वाटर, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बट ये नहीं होगा, मोस्ट डोमिनेंट बीज होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये फॉल्स हो गया और हमसे फॉल्स ही पूछा है। बाकी ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि वाटर के थ्रू ओनली 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट, क्वाइट रेयर पॉलिनेशन होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा 3। नाउ 107 नॉट ट्रू अगेन पूछा है, सो इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से ब्लू, ये सही है स्टूडेंट्स, लेकिन ये अलाइजा के बारे में लिखा हुआ है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं होता, इसीलिए ये फॉल्स हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स मिलते हैं जब इथीडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी लाइट डालते हैं, और ये जो जेल से पीस निकालते हैं इसे इल्यूजन कहते हैं। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो गया इसका 2। डन। नाउ हैबिटेट लॉस ऑफ, ये चारों ईवल क्वार्टरेट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। नाउ कुकुम्बर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इथिलीन ये काम करता है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है ये इथिलीन। नाउ व्हाट इज नेट गेन ऑफ एटीपी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब 1 ग्लूकोज से 2 पाइरूविक एसिड बनेंगे, यानी बेसिकली ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, और ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP मिलती है, 2 ATP, इसका आंसर सेकेंड वाला होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो 2 NADH2 भी तो मिलते हैं, उससे 6 ATP मिलेंगी तो 8 ATP हो जाएंगी, नहीं, वो तो ETS में जाने के बाद होगा और यहां कुछ एरोबिक नाम का मेंशन ही नहीं है, तो हम इसको 2 ATP मान के सेकेंड आंसर लगाएंगे।
नाउ क्लिस्टोगैमस इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, बिल्कुल सही है, और ये डिसएडवांटेजेस है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ. नाउ हाइड्रोकोलाइट कैरागिन हम जानते हैं रेड एल्गी में मिलता है, रेड एल्गी, तो इसका आंसर टू हो जाएगा. एल्जीन मिलता है ब्राउन एल्गी में. नाउ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया हुआ है कि फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा वन. नाउ इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, देखो यूलोथ्रिक्स तो ग्रीन एल्गा है और ग्रीन एल्गा में स्टार्च मिलता है, ये फॉल्स हो गया, यही आंसर हो जाएगा. बाकी पोरफायरा जो है वो रेड एल्गी है, सो फ्लोरिडियन स्टार्च ट्रू है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है और एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, सो ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर हो गया वन. नाउ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स बेसिस ऑफ, स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी की लाइन है, जेनेटिक मैपिंग में भी यूज होता है, इट्स अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो होता ही है. नाउ मैंगनीज जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग में यूज होता है, ए का फोर होगा, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते. मैग्नीशियम एनसीईआरटी की लाइन पर ही क्वेश्चन बना है स्टूडेंट, येस फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी. बोरॉन पोलन जर्मिनेशन और आयरन एंजाइम कैटलिस्ट, सो आंसर इज वन. नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है, फिर एक्टिवेटेड टीआरएनए आता है, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ती है, यानी यहां पर सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ेगी, फोर्थ होगा. इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ये थोड़ी ना होता है, पहले टीआरएनए, पहले एमआरएनए से जुड़ेगी स्मॉलर सब यूनिट, फिर चार्ज टीआरएनए आएगा, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी. नाउ डिवाइस विच कैन रिमूव पार्ट, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया स्टूडेंट नंबर टू, पेपर लेंथी था, इसीलिए चांस था कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए किसी स्टेप पर, छोटी सी गलती से गलत हो जाए, पर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड तो था, पर हाँ कंसेप्चुअल था, रटने से काम नहीं चलेगा. चलिए जाइगोमॉर्फिक किसमें होते हैं स्टूडेंट, आपको मैं मैकडोनाल्ड से पढ़ाती हूँ, चिली धतूरा और मस्टर्ड जो है इनमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और आपको ट्रिक भी बताती हूँ मैं, आई एम यानी आई एम गुलमोहर फ्रॉम कैश्मीर, कैश्मीर मतलब केसिया एंड गुलमोहर बी एन सी ओनली, सो यहां पर आंसर हो जाएगा वन. नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए एप्लीकेशन में यूज होती है, ये भी बिल्कुल सही है, पर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सो दे बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा वन. नाउ प्रेडेशन के बारे में क्या नहीं सही है, क्या नहीं सही है स्टूडेंट्स, ये गलत है, दोनों नेगेटिव थोड़ी होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, शिकारी का फायदा शिकार का नुकसान, ये गलत है. बाकी ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं स्टूडेंट्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करता है, वरना शिकारी हटा के शिकार आपस में लड़ मरते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती है. नाउ सो आंसर हो जाएगा टू. चलिए नेक्स्ट माइटोटिक में क्या नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कभी नहीं होगा, ये मियोसिस वन की जाइगोटीन स्टेज में होता है स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर टू हो जाएगा. बाकी सेंट्रियोल मूव करेंगे प्रोफेज में टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, कंडेंसेशन कॉइलिंग होगी प्रोफेज मेटाफेज सब में, और ये भी अटैच करेंगे, राइट, सो ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट ऑप्शन टू. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू, नेशनल पार्क स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क इन सिटू होता है, वहीं पर जहां उसका घर है वहीं हम सेव कर रहे हैं, राइट, बाकी ये एक्सिटू है, ये भी एक्सिटू है और ये भी एक्सिटू है. नाउ दो स्टेटमेंट है, मेंडल ने सेवन पेयर बिल्कुल सही है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल सही है, तो दिस इज करेक्ट. सेवन कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से थे, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजिशन, स्टेम की हाइट, पॉड का कलर, पॉड, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, आंसर वुड बी फोर्थ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है बटर कप जो है इसमें एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी है, पानी और लैंड वाली, और कोरिएंडर और कॉटन में डेवलपमेंटल है, जहां पर जुवेनाइल फेज में अलग शेप ऑफ लीव्स है और अडल्ट में अलग है. मेज हमने कहीं नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है. नाउ व्हाट अबाउट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेस देन 7% ग्लूकोज से निकलती है, फिर ट्रैप होती है, और वो भी इट इज लॉस्ट एज हीट, नॉट फॉर्म्ड इनटू एटीपी. चलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन है. नाउ गैशियस प्लांट ग्रोथ इज यूज्ड इन, नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन ऑफ एनसीईआरटी. नाउ डज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक मतलब सेल वॉल और इंटरसेल्यूलर स्पेस, डेड के थ्रू जा रहा है, डेड के थ्रू, बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करना है, ये गलत है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहाँ होगी, जहां साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, और वो सिम्प्लास्टिक में होगा, बाकी बैरियर नहीं होगा, मरी हुई चीज बैरियर नहीं करती, सेल वॉल और इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू जाएगा.
Now, is not true regarding release of ATP, synthesis of ATP during chemiosmosis. Chemiosmosis क्यों होता है students? क्योंकि stroma और thylakoid के lumen के बीच में एक proton gradient बनता है और वो जब gradient टूटता है, जब proton जाते हैं from lumen into stroma, उसके कारण से ATP बनती है. So this is true. इस समय stromal side पर NADP से NADPH2 भी बनता है. Across membrane to stroma, बिल्कुल सही है. ये हमने कुछ नहीं पढ़ा. इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है. इसका आंसर वन हो जाएगा. डन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइंस हैं. ये सब फैबेसी फैमिली में देखने को मिलता है और फैबेसी का एग्जाम्पल यहाँ कौन सा है? दाल, पाइसम सटाइव. बाकी ये लिलिएसी है, ये सोलनेसी है, ये भी लिलिएसी है. नाउ ये मालूम है ना, डायड अल्फस मतलब 9+1, वन फिलामेंट और इधर नौ स्टेमन और एक, दो जोड़े थे. और वेक्सिलरी मतलब एक पोस्टीरियर पेटल थी, दो लेटरल हैं, दो एंटीरियर हैं, जॉइंट. नाउ डीकॉम्पोजिशन क्या है, जहां पे डेट्राइटस को सिंपल में तोड़ेंगे बाय माइक्रोब्स, बिल्कुल सही है. और ये फास्टर नहीं, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स. नाइट्रोजन कंपाउंड शुगर से फास्टर होता है, इसमें तो स्लोअर हो जाता है. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स. सो यहां पर आंसर हो जाएगा टू. राइट. नाउ विच इज एलनस, एनसीईआरटी की लाइन है अगेन स्टूडेंट्स, फ्रैंकिया. बाकी राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ. एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है, इसे आप बायोमोलिक्यूल से भी मान सकते हैं, एनिमल किंगडम से भी मान सकते हैं. नाउ एक्स जीरो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रास हॉपर, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है. नाउ ओल्ड ट्रीज ग्रेटर पार्ट अटैक ड्यू टू, ये किसकी बात करें? हार्डवुड की. हार्डवुड की बात कर रहे हैं बेसिकली. चलिए हार्डवुड आइए देख लेते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर ल्यूमन, ये सब डिपॉजिट होता है. हाँ, होता है, हो सकता है, बिल्कुल होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेंट्रल लेयर में भी बिल्कुल होता है. सुबेरिन थोड़ी ना जमा होता है और ना आउटर लेयर में होता है. वन सेकेंड. हाँ हार्डवुड है ना, हार्डवुड तो बीच में बनेगी, बिल्कुल सही है. आउटर में नहीं बनेगी, ठीक है. आउटर में नहीं बनेगी, सेंटर में बनेगी, साइड में नहीं बनेगी. और पैरेन्काइमा ये सब एक्टिव थोड़ी ना होगा, ये तो हार्ड है, यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो ये भी गलत है. तो ए और बी करेक्ट है, यानी इसका आंसर फोर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटासेंट्रिक क्या है, जहां पे बिल्कुल सेंटर में है, टू इक्वल आर्म्स बनेंगे, तो थ्री होगा. ये लो क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व. देखो यही तो प्रैक्टिस कराती हूँ इस साल तो. और ज्यादा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, मैंने फ्री मेंटरशिप में कितने असर्शन रीजन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, होप आपको हेल्प हुई होगी. और मैच द कॉलम से भी. चलिए बाकी एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू एंड है, सब मेटासेंट्रिक जो है वो नियर द सेंटर है, और टीलोसेंट्रिक में एट द एंड है. नाउ फॉल्स पूछा है इन्होंने सीएनजी के बारे में, तो सीएनजी चीपर होती है, अडल्ट्रेट नहीं हो सकती. ये सब ट्रू है लेकिन ये गलत है. दिस इज फॉल्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ क्विकली लिपिड और इसके बारे में, लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड नहीं है स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोलिपिड है. फॉस्फोलिपिड यानी ये फॉल्स है और हमसे करेक्ट पूछा है, और ए फॉल्स है. ये लो देखो कैसे आंसर्स आते हैं, देखो झटके में चेक करते हैं. ये भी गलत होना चाहिए, बिल्कुल सैचुरेटेड में नो डबल बॉन्ड्स, ये फॉल्स है. ये ऑयल है ना, ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो लिक्विड स्टेट में रहता है. इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मोनोग्लिसराइड बनेगा. नाउ स्प्रिंग वुड की बात कर रहे हैं, देखो हार्डवुड पे भी क्वेश्चन आ गया, स्प्रिंग वुड पे भी क्वेश्चन आ गया है. अर्ली वुड इसे कहते हैं, बिल्कुल सही है. ए सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता है. स्प्रिंग वुड में कैम्बियम में नैरो नहीं, स्प्रिंग बाहर बहुत ज्यादा पानी कंडक्ट करना है, नैरो नहीं वाइड होना चाहिए. हमसे करेक्ट पूछा है, बी फॉल्स है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं. ये लीजिए आंसर सॉल्व हो गया. ऐसी तो क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको. सो लाइटर कलर बिल्कुल होगा, ऑल्टरनेट विद दिस एनुअल रिंग्स बनाते हैं, हल्का है, लोअर डेंसिटी है. राइट. नाउ ट्रांसपोजोन्स किस में यूज होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोजोन एनसीईआरटी में दिया, एमआरएनए साइलेंसिंग में होते हैं, यानी जीन साइलेंसिंग हो जाएगा. एमआरएनए साइलेंसिंग में याद है, या तो उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के साथ भेजो या ट्रांसपोजोन के साथ भेजो, कैसे भी भेजो कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है, वहीं से क्वेश्चन बना है. चलिए मेंडल लॉ डज नॉट होल्ड, बिल्कुल सही है. पास पास है तो लिंक्ड जीन्स होंगे, एंड क्लोजली लोकेटेड जीन्स नो दे डोंट, वो तो लिंकेज शो करेंगे. सो ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर टू हो जाएगा. नाउ पैलिंड्रोम कौन सा, इनमें से GAA TTC, ये तो डायरेक्ट हमने पहचान लिया, उल्टा सीधा एक समान. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. चलिए
फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस कहां से आता है मिट्टी में, वेदरिंग ऑफ रॉक से. सो डायरेक्ट सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन हम नहीं कह सकते. चलिए अब ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी एनसीईआरटी से, पर आपका टाइम लगा होगा. स्पायरोगायरा जो है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन एल्गी है और एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल रहती है. हैप्लोन्टिक तो डोमिनेंट हैप्लोइड होता है, डोमिनेंट डिप्लॉइड नहीं होता, डोमिनेंट हैप्लोइड होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है. जायगोटिक मियोसिस होता है क्योंकि. सो यहां पर इसका टू हो जाएगा और इसका टू हो जाएगा तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं. अब सिर्फ बी चेक करते हैं, आंसर आ जाएगा. फर्न जो है स्टूडेंट्स, ये टेरिडोफाइट है फर्न, और टेरिडोफाइट में डोमिनेंट होता है डिप्लॉन्टिक और हैप्लोन्टिक प्रोथैलस भी बनता है जो इंडिपेंडेंट होता है. सो डिप्लॉइड डोमिनेंट होगा और रिड्यूस प्रोथैलस, एनसीईआरटी की लाइंस हैं. बी का थ्री हो जाएगा तो ये आंसर हो गया. बट चेक कर लेते हैं एक बार. फ्यूनेरिया जो है ये मॉसेस में आएगा, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट्स, और इसमें डोमिनेंट फेज जो होगा स्टूडेंट्स वो हैप्लॉइड होगा और इस पर डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट होगा. और साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म होगा और जिम्नोस्पर्म जो है उस पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा और रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होगा. राइट, सो आंसर वन हो गया. नाउ प्लस माइनस वगैरह लिखा है. प्लस और माइनस किस में है? दो में होता है स्टूडेंट्स, एक पैरासिटिज्म में होता है और एक प्रिडेशन, शिकार और शिकारी, और पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान. सो यहां पर हमारा आंसर इसमें से प्रिडेशन हो जाएगा. बाकी ये माइनस जीरो होता है, ये प्लस जीरो होता है, ये माइनस माइनस होता है. नाउ जैसे जैसे सॉल्यूट डालेंगे, देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर जो होता है उसका मैक्सिमम होता है जीरो, मैक्सिमम होता है जीरो. जैसे जैसे आप सॉलिड ऐड करोगे, पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, माइनस में आता जाएगा, लोअर वाटर पोटेंशियल. एनसीईआरटी की लाइन. नाउ एनसीईआरटी की लाइन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसमें सी क्या है जो हम खाते हैं, और हम क्या खाते हैं, हम थैलेमस खाते हैं. फॉल्स फ्रूट है ये स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैश्यू. नाउ ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आती है. ये एनसीईआरटी में पेडिग्री एनालिसिस जो दिया है उसमें भी जो फर्स्ट पेडिग्री है वो इसी की दी हुई है. राइट, चलिए बाकी ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है और ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है. नाउ जेनेटिस्ट से उसे ब्लाइंड अप्रोच, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर उसको सिर्फ एग्जॉन करना है, इंट्रॉन नहीं करना, उसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं. पर एग्जॉन इंट्रॉन सब कुछ करते जाना है बिना दिमाग लगाए तो उसे सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं. इसका आंसर फोर हो जाएगा. नाउ ना इसमें बड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, लार्ज बंडल शीट सेल कह रहे हैं ना, बड़े बड़े सेल क्यों बनाए हैं बंडल शीट के, ताकि उसमें क्लोरोप्लास्ट मिले स्टूडेंट्स बहुत सारे, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो उसमें रुबिस्को मिलेगा और रुबिस्को होगा तो वो अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा. सो यहां पर हो जाएगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो इसका आंसर वन हो जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर द बॉटनी सेक्शन. आइए स्टूडेंट्स जूलॉजी सेक्शन का नीट 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं. कोड है हमारा T2. चलिए नाइट्रोजिनस बेस पेस्ट और पैलेट किसमें मिलता है? बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में. यहां पर हम बर्ड ढूंढेंगे, यहां पर बर्ड दी हुई है, पैवो यानी पेकॉक. नाउ इनकरेक्ट माइटोसिस. स्टूडेंट स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर में नहीं. एनसीईआरटी की लाइन है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा. बाकी टीलोफेज में डीकंडेंसेशन और प्रोफेज में कंडेंसेशन, ये सही है. सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एनाफेज में, और मेटाफेज में सब एक इक्वेटर पर आते हैं. नाउ ऑस्टियोपोरोसिस में डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज फ्रैक्चर, सही है. और डिक्रीज ईस्ट्रोजन होता है, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ये फॉल्स है. मैंने आपको पूरे साल कहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी की डिजीज जरूर कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट. इसका आंसर टू हो जाएगा. नाउ ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है. 100 ml ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 5 ml टिश्यू उसको देता है, 5 ml यानी 25%. इसका आंसर वन हो जाएगा. नाउ डी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था. देखो ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक और ग्लूकोज मिलेगा तब जाके माल्टोज बनेगा, यानी माल्टोज में ये होना चाहिए. लेकिन जब माल्टोज बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते टाइम, यानी यहां पर हाइड्रोजन 22 ही रह जाएंगे और ऑक्सीजन 11 रह जाएंगे. सो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2. डन. नाउ क्रॉप और गिजर्ड स्टूडेंट बर्ड्स में मिलता है, तो हमें यहाँ बर्ड्स ढूंढना है. यहां पर ये तो एम्फीबियन हो गया, ब्यूफो काटला, ये फिश हो गई, इसमें सारी बर्ड्स हैं, सारी बर्ड्स हैं. बाकी यहां पे कैमेलियन भी रेप्टाइल हो जाएगा. डन. नाउ
मैं आपको शुरू से कह रही थी या तो ग्रुप पर क्वेश्चन देंगे या ग्रुप के एग्जाम्पल पर देंगे. नाउ रिलीज, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. नहीं, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. सो वन इज करेक्ट एंड टू इज नॉट करेक्ट. इसका आंसर टू हो जाएगा. नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अदर देन मीन, कोई एक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब जैसे नेचुरल सिलेक्शन में था, पहले व्हाइट वाले सिलेक्ट करे, ब्लैक वाले नहीं. फिर जब नेचर बदला तो ब्लैक, मतलब पहले व्हाइट सिलेक्ट करे, ब्लैक नहीं क्योंकि अनपोल्यूटेड रीजन था. फिर जब पोल्यूशन हो गया तो ब्लैक सिलेक्ट करे. तो ये क्या कह रहे हैं, मीन के अलावा कोई एक चूज होती है, कोई एक, यानी ये डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं. सो यहां पर आंसर वन हो जाएगा. अच्छा क्वेश्चन बना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. नाउ ईआर के बारे में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू आंसर हो जाएगा. प्रोकैरियोट्स में तो होती ही नहीं है ईआर. बाकी एसईआर में राइबोसोम नहीं मिलेंगे, वो लिपिड सिंथेसिस करती है, और आरईआर में राइबोसोम्स जुड़ेंगे. नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनके बीच में कार्टिलेजेस मिलती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हमने रटा है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों में ऐसा होता है. नाउ नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, और स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ट्रू है. सलाइवा से लुब्रिकेशन होता है, इसमें लाइजोजाइम है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकेगा. ये गलत है स्टूडेंट्स. आंसर थ्री होगा, डाइसेक्राइड्स को तोड़ने वाले माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस में मिलते हैं. नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आईजीन, देखो इसको करते में तो एक बार मैं भी चक्कर खा गई थी, एक बार सही आंसर निकाला, फिर गलत निकाल दिया, फिर सही निकाला. आईजीन में इतना ही म्यूटेशन हुआ है. देखो समझो, ये ऐसे है एपोजिया, ठीक है, ये जो भी रिप्रेसर बनाता है वो इसके साथ तो जुड़ सकता है, लेकिन वो लैक्टोज के साथ नहीं जुड़ेगा. भाई जब वो लैक्टोज के साथ जुड़ता था, पहले ये स्विच ऑफ था, लैक्टोज के साथ जुड़ने पे स्विच ऑन होता था, और ऑन होता था तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होता था, ट्रांसलेशन होता था, और एंजाइम्स बनते थे, राइट, यही कहानी चलती थी. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये लैक्टोज के साथ नहीं जुड़ पाएगा. अगर ये लैक्टोज के साथ नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा भाई, समझिए, लैक्टोज के साथ नहीं जुड़ेगा तो स्विच ऑन ही नहीं होगा, और ये सब कुछ होगा ही नहीं, यानी ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा. पर ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया. देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनाया है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लो. बेस्ट चॉइस तो ये होनी चाहिए थी कि जेड वाई ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसी लेवल पर कहानी रुक जाती है, पर वो नहीं दिया तो हमने लगा दिया ट्रांसलेशन नहीं होगा. ये तो बिल्कुल गलत है, दे विल नॉट बी ट्रांसक्राइब. आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बाइंड, नहीं, क्योंकि ऑन ही नहीं हुआ है तो वो जुड़ेगा नहीं काम करने के लिए, और ये भी गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स टू, प्लीज नोट करिएगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. Now, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो हमें रटा पड़ा है. कोनीडिया मिलते हैं पेनिसिलियम फंजाई में. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2.2 मीटर लंबा डीएनए में 6.6 इनटू 10 टू द पावर 9 होती हैं. ये डायरेक्ट है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा हैप्लॉइड जीनोम, मतलब आधा डीएनए, पूरा डीएनए 2.2 है, तो हैप्लॉइड 1.1 मीटर है. डायरेक्ट पढ़ा है उसमें, कैसे याद कराती हूँ, 3 लिखा, डीएनए में 3 वर्ड्स होते हैं, फिर डॉट लगाया, फिर 3 लिखा, फिर 3 3 9 कर दिया, ऐसी तो याद कराती हूं मैं. सॉल्व करा क्या, नहीं करना था. चलो, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये लूज एरियोलर, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड. नाउ रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही है, और ये भी बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट. तो इसका आंसर 4 हो जाएगा. नाउ डेट्राइटिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स मतलब अर्थवर्म, ये पहला स्टेप है, बड़े बड़े को छोटे टुकड़ों में काटना. This is one. Catabolism पे फिर बैक्टीरिया फंजाई वो एंजाइम्स डाल के डीकम्पोजिशन करें. नाउ डू नॉट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है आपका, बहुत समय लिया होगा इसने, थोड़ा भी गड़बड़ करी तो आंसर गलत आ गए होंगे. वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है जो ओजेनेसिस में नहीं होता, हैप्लॉइड गैमेट्स दोनों में बनते हैं, दोनों में, ये फॉल्स है. मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होता है, पर ऊजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता. स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो बी है जो ऊजेनेसिस में नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा, बी तो होना ही चाहिए. मियोसिस ये भी सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस में लगातार होता है, पर ऊजेनेसिस में अटक अटक कर होता है, लगातार नहीं होता है, तो सी भी होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है. अब ई चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर होता है, पर ओजेनेसिस तो एम्ब्रियोनिक लाइफ पर होता है. इसी में सेम ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा है, तो बी सी ई विल बी द आंसर, यानी थर्ड होगा इसका, और ये दोनों के लिए ट्रू है, और वो भी दोनों के लिए, ए और डी दोनों पे ट्रू है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है.
नाउ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, डाइजेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैक्टियल्स बनती है, काइलोमाइक्रॉन्स है, लिम्फैटिक अल्टीमेटली इनटू ब्रेन. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 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 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी 4. नाउ ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एक हफ्ते में 80 में से 8 है, 80 में से 8 तो पर कितना हो जाएगा, 8/80 यानी 0.1 फ्लाई मरेगी पर मक्खी पर वीक, पर ड्रोसोफिला पर वीक 0.1 आंसर हो जाएगा 4. नाउ क्वागुलम एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट फाइब्रिन थ्रेड्स का बना होता है ना कि थ्रोम्बिन का, सो दिस इज फॉल्स एंड स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा 3. नाउ टेगमिना, टेगमिना डायरेक्ट कॉकरोच का क्वेश्चन है, मीजोथोरैक्स से निकलता है, ये अपर वाला विंग है, फोर विंग है, नीचे वाले हाइंड विंग मेटाथोरैक्स से निकलते हैं. सो आंसर इज 1, लेट मी राइट क्लियरली. नाउ असेंडिंग पूछा है पर एक्चुअली डिसेंडिंग दिया है, बड़े से छोटा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, राइट, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, सो इट इज गोइंग टू बी 4th, आंसर इज 4th. नाउ क्विकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं ट्रिक से याद कराती हूँ. 3 फंकी साइकल्स, फंकी मतलब फंजा है, साइकल मतलब साइक्लोस्पोरिन है, 3 मतलब ट्राई यानी ट्राइकोडर्मा, ये तो मैं डायरेक्ट ट्रिक्स याद कराती हूँ. माइक्रोब्स ने हालांकि इस बार सरप्राइज किया, एक ही क्वेश्चन आया है. चलिए, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, स्टूडेंट्स ये नहीं, ये रेस्पिरेटरी पार्ट का काम है, बाकी सारे कंडक्टिंग पार्ट के काम है. डन. नाउ लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. नाउ और ये इसमें बड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं, देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी में लिखी है क्लियरली, ये लाइन सो करके लिखा हुआ है, दिस इज द रीजन विदाउट एनी डाउट, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये भी थोड़ा सा चक्कर खाने वाला है अगर एनसीईआरटी के एक एक शब्द को नहीं पढ़ा है. नाउ माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा जो है एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 0.1 माइक्रॉन दिया हुआ है, तो अगर आपने लेस देन 1 माइक्रॉन, 1 माइक्रॉन से कम, ये तो 0.1 माइक्रॉन है, आराम से निकल जाएगा, पर हाँ इसमें सेल वॉल नहीं होती है. सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, इसका आंसर 2 हो जाएगा. नाउ विच इज इनकरेक्ट, मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ मियोसिस 2 में नहीं होता, सिर्फ मियोसिस 1 में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, आंसर यही होगा. बाकी होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में पेयर करते हैं, रिकॉम्बिनेशन पेकाइटीन में होता है, बिल्कुल सही है, 4 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है. नाउ इन सिटू, एनसीईआरटी की लाइन है, इन सिटू मतलब पूरा का पूरा घर उसका कंजर्व कर देंगे हम. नाउ ऊजेनेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू हो जाता है, देखिए ऊजेनेसिस पे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए. नाउ करेक्ट मैच पूछा है, टेटनी लो कैल्शियम के कारण होता है, ये उल्टा लिखा है, माइस्थीनी ऑटो इम्यून है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो ये है, और आर्थराइटिस होता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन. मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टूडेंट्स डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी एसर्शन रीजन भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो है जहां पर इट इज वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल एज ओवर, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से. और रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये कंडीशन होती है where does no it attacks, it attacks, ये autoimmune disorder है. So 1 is correct, 2 is incorrect, इसका answer 2 हो जाएगा. Now ADA में, ये तो NCERT की line है, क्यों बार बार periodic infusion देने पड़ते हैं, क्योंकि genetically engineered lymphocytes अमर नहीं है, they are not immortal, इसलिए बार बार उन्हें बना के डालना पड़ेगा body के अंदर. Now ये direct NCERT की line है students, bio fortification कहते हैं, bio magnification वो DDT वाला है, environmental issue. Now ये क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट अच्छा क्वेश्चन बनाया है स्टूडेंट्स, देखो ट्राइकस्पिड कब खुलेगा, जब राइट एट्रियम में प्रेशर आएगा, और बाइकस्पिड जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तो साइमल्टेनियस गलत वर्ड है. अगर ब्लड प्रेशर, अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो बैक फ्लो का चांस है, तो एवी वाल्व बंद होगा ना कि ये, और एवी वाल्व के कारण नहीं, एसए नोड के कारण एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है. देखिए जब जॉइंट डायस्टोल है, हमने पढ़ा है एट्रिया रिलैक्स है, 2/3 फिलिंग तो इसी से ही होती है पैसिवली, सिर्फ 1/3 फिलिंग है जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है, वरना तो रिलैक्सेशन से ही होती है, एब्सोल्युटली ट्रू. तो इसका आंसर, वन सेकेंड मैं आंसर लिख देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. 2. नाउ इनकरेक्ट अबाउट साइनैप्स, इलेक्ट्रिक साइनैप्स में डायरेक्ट जाता है क्योंकि उनके बीच में कोई क्लेफ्ट नहीं है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं, केमिकल वाला स्लोअर होता है स्टूडेंट्स, उस खाई को पार करके जाना है, रिसेप्टर से जुड़ना है, ये तो सीधे बिल्कुल पास पास है प्री साइनैप्टिक, तो खट से इलेक्ट्रिक में चली जाती है. सो दिस इज फॉल्स और यही हमारा आंसर होगा. नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्वायर्ड, एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है, बर्थ के बाद मिलती है, हाँ ये सच है, एक ही
पैथोजन से दोबारा एनकाउंटर होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जिसे एनएमनेस्टिक कहते हैं, ये मेमोरी के कारण होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब पहली बार घुसता है, पर ये स्पेसिफिक है और हम एक्वायर करते हैं ना कि बर्ड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। 189 ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है किसमें? एनिमल्स में और फंजाई में। सो ए का 4 होगा, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। सीधे बी चेक करते हैं, ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होते हैं, सो ये भी नहीं है, ये लो आंसर आ गया 3। चेक करते हैं, स्टेरॉइड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, मतलब एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बायो कैटलिस्ट। आगे मजे ना, डायफ्राम क्या होता है? दे कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द एंट्री, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। बी मत चेक करो, सेम है, सीधे सी चेक करिए। IUCD क्या करते हैं? देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं, लिपिज लूप वाला, ये NCERT की लाइन है स्टूडेंट्स। सो ये लो आंसर आ गया 1। चेक कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगी, और अगर ये सहेली की बात करें तो इम्प्लांटेशन भी रोकती है, नॉन हार्मोनल वाली, और लैक्टेशनल एमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं है, और 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी तक वैलिड होता है। नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ई कोलाई है जिसमें 15-15 DNA है, अब हमने उसे N14 में डाल दिया है 3 जनरेशन तक, 60 है ना, 20 मिनट्स बाद क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव के कारण 15-15 अलग हो गए और इनपे 14-14 बन जाएंगे, ये 2 बन गए। फिर और 20 मिनट बाद यानी टोटल 40 मिनट बाद क्या होगा? ये 15 अलग हो गया, ये 14 अलग हो गया, ये 14 अलग हो गया, ये 15 अलग हो गया, और मीडियम में 14 ही पड़ी है, तो ये वाले 4 बन जाएंगे। और फिर 20 मिनट्स यानी 60 मिनट्स बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? इस 15 और 15 पे तो 14-14 बनेंगे, ठीक है, तो ये 2 तो हाइब्रिड बनेंगे, बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब अलग अलग होंगे और सब पे 14 ही बनेगा, तो 6 बनेंगे 14-14 और 2 बनेंगे 14 और 15, यानी 6 लाइट और 2 हाइब्रिड बनेंगे एक से। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि टोटली फ्री फ्रॉम N15 कितने हैं? ये वाले टोटली फ्री हैं, इनमें 15 है ही नहीं, इनमें तो 15 है, तो 1 से 6 बन रहे हैं जो टोटली फ्री हैं, पर हमें 10 दे रखे हैं तो 60 सेल्स बनेंगे। बहुत अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाया है स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव अगर कंसेप्ट आता है तो ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर आंखें खुली हैं तो भी सॉल्व कर पाएंगे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नाउ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में, सबसे पहले ए और सी के बीच में कितना दिया हुआ है? 5, तो ए है यहाँ 5 हो गया, ये हो गया सी, और सी और बी के बीच में कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, ये 15 हो गया बी। अब डी कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे ए और डी 29 दिया है। अब देखो डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, पर अगर मैंने डी इधर बनाया तो फिर सी और डी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं डी भी इधर ही बनाती हूँ डी। अब क्या होगा ये देखो, इसे मुझे पूरा 29 बताना है, ये ए और बी देखो 20 आ गया जो दिया हुआ है, और बी और डी 9 आ गया, सो 5, 15, 9 ये 29 हो गया, ये 20 हो गया, यानी यहां पर क्या सीक्वेंस होगा? ACBD, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नाउ 193 क्विकली, ये भी चक्कर में डालने वाला क्वेश्चन था, यहां दिमाग घुमा होगा अगर NCERT वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ी, ये गलत है बिल्कुल स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये काम करता है। नाउ पार्टिकुलेट मैटर NCERT की लाइन है स्टूडेंट्स, इट कांट बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इसे गलत कर देंगे, सो बिल्कुल दोनों ही एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑलराइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये बहुत चक्कर में डालने वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है, हैट्स ऑफ, मैं से हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगी, लंबा भी बनाया और इंटेलिजेंट भी बनाया है, सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहे हैं। देखो प्रो इंसुलिन वगैरह तो नॉर्मल इंसुलिन में बनता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड में थोड़ी ना कोई रोल है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये सच है। देखो ये सारे सही हैं, ये सब NCERT की लाइंस हैं, पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से इनका लेना देना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में तो हम सिर्फ ये करते हैं, अलग इकोलाई में ए चेन, अलग में बी चेन, दोनों चेन निकाल के डायसल्फाइड से जोड़ देना, जैसे अलग कॉलर बनाओ, अलग शर्ट स्लीव्स बनाओ और मिलाकर शर्ट बना दो, सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड से बी ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है स्टूडेंट्स, मजे आ गए, हैट्स ऑफ जिसने भी बनाया है, चलिए, और जिसने सॉल्व करा उसे भी हैट्स ऑफ, जिसने नहीं करा कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ना दिमाग चले, क्योंकि मैं तो बाहर सॉल्व कर रही हूँ, मेरा तो करियर भी दांव पे नहीं है, तो भी मैं गड़बड़ कर रही हूँ, तो आप तो हॉल में कर रहे थे, तो कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ है।
नॉट ट्रू. स्वीट पोटैटो ये रूट है और ये स्टेम है, यानी ओरिजिन अलग अलग है, काम फूड स्टोरेज सेम है, एनालॉगस. होमोलॉजी कॉमन एंसेस्टर सही है. एनालॉगस ये तो मैं कहती हूँ हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, थैंक गॉड इज्जत रखी है, वरना कहते तो हम लोग और भी बहुत कुछ है जो एंटी ने धज्जी उड़ा दी इस बार. ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेंगुइन जो है वो बर्ड है और डॉल्फिन मैमल है, यानी डिफरेंट ओरिजिन है, सेम फंक्शन है स्विमिंग का. सो एनालॉगस ऑर्गन है ना कि होमोलॉगस. चलिए नाउ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको दिमाग में चक्कर में डाल सकता है इन दो ऑप्शन में से. एनसीईआरटी यहां मदद करेगी, वहां लिखा है वेरी फ्यू और प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट, और वहां से हम इसका आंसर 3 निकालेंगे, वरना ये इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है. नाउ ब्रोंकियोल्स में मैं सालों से बताती आ रही हूं कि दो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है कि फैलोपियन ट्यूब ब्रोंका है, ब्रोंकियोल में सीलिएटेड एपिथेलियम है. सो ये सब कुछ नहीं हो सकता है. सो इसका आंसर डायरेक्ट देखो कैसे झटके से आंसर आता है अगर सही टेक्निक यूज करें. सो गॉबलेट सेल यूनिसेल्यूलर ग्लैंड है, टेंडन लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है. नाउ करेक्ट स्टेटमेंट, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, नॉट ऑल, तो ये फॉल्स है. स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है बट प्रोटेस्टा किंगडम में आते हैं. माइकोप्लाज्मा में डीएनए है, राइबोसोम है, बट सेल वॉल नहीं होती है. ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू कि ये ऑटोट्रॉफिक भी है और मोनेरा में भी रखे जाते हैं साइनोबैक्टीरिया. नाउ पैराथॉर्मोन का इफेक्ट क्या नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इजी, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, पर दिमाग लगाना पड़ेगा. और होता क्या, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट में बोलते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी, एक सेकंड भी इधर उधर हुए आंसर गलत आता है. इसीलिए इस बार आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग बहुत होगी बायो में, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन बनाकर उन्होंने इजी कंसेप्ट को भी टफ बना दिया है. बहुत अच्छा पेपर है स्टूडेंट, मॉडरेट टू हार्ड मैं बोल रही हूँ इसको, ईजी नहीं है ये. तो जो आपको बोल रहे ना ईजी है, इजी आप सोच रहे हो यार ईजी बोल रहे हो सब मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल मुश्किल है पेपर में. चलो तो बोन रीअब्सॉर्प्शन, इसका मेन काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, और अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा तो बोन से खींच के लाएगा. पर हमसे क्या पूछा है ये देखो, नॉट द इफेक्ट, नहीं है इफेक्ट, तो ए तो ट्रू है, तो हमारा आंसर में ए नहीं हो सकता है. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, दिस इज नॉट द इफेक्ट, वो तो इंक्रीज करता है, हमारे आंसर में बी आएगा. चलो अब अपन डी देख लेते हैं, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल ये तो बढ़ाएगा ना, ये तो इंक्रीज करेगा तभी तो ब्लड में बढ़ाएगा. तो हमसे यही तो पूछ रहे हैं, हमसे बेसिकली फॉल्स पूछ रहे हैं, ये फॉल्स है, तो फॉल्स तो हमारे आंसर में आएगा, इसीलिए हमारा आंसर ही हो जाएगा. चेक करते हैं, ई भी गलत होना चाहिए, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. और दूसरा सी सही होना चाहिए, बिल्कुल रीनल टिब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा ताकि ब्लड में बढ़ जाए. ऑलराइट, चलिए तो एक बार लास्ट क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं. यहाँ कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल मतलब यही चांस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और एक ऐसा आदमी जिसकी मम्मी कलर ब्लाइंड है. समझो मम्मी ऐसी होगी, पापा भले ही नॉर्मल हो कलर ब्लाइंड अपने को मतलब नहीं है. क्यों मतलब नहीं, क्योंकि पापा से तो वाय आता है, पर मम्मी से चाहे कोई भी एक्स आया हो पर ये पक्का आएगा. यानी एक्चुअली इन्होंने दिया नहीं है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर भी, इन्होंने छिपा कर दिया है. हम जान गए हैं कि ये मैन भी कलर ब्लाइंड है, अब कुछ भी नहीं है. कलर ब्लाइंड बेटा, यानी ऐसे कपल की अगर शादी होगी तो 100% 100% हर बच्चा कलर ब्लाइंड ही होगा, यानी 100% राइट. जस्ट हैव अ लुक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वीडियो सॉल्यूशंस नीट 2022 का पेपर. ये कोड T2 हमने सॉल्व करा है, फुल बायो बॉटनीजोलॉजी हमने कवर कर ली है, पेपर एनालिसिस जल्दी आपके पास आ जाएगा. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.